Students, I am taking a relationship between Kp, that is equilibrium constant in terms of pressure, and Kx, that is equilibrium constant in terms of mole fraction. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे रिकॉल करेंगे हम इससे पहले देख चुके हैं क्या हमने देखा था एक सपोज किया था क्या चीज एक रिएक्शन और हमने उसमें डिफरेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप देखा था जिस तरह से इसमें हमने क्या देखा था हमने देखा था के सी क्या होता है दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन उसके अलावा के पी भी देखा था के एक्स भी देखा था और के एन क्विलेब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ये भी हमने देखा था तो अब हम जो है यहाँ पर हम देखने लगे हैं कि केपी और केएक्स में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ से केपी की हम जो है वो केपी का एक्सप्रेशन और केएक्स का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से हम ले लेंगे ठीक है तो के पी का एक्सप्रेशन हमारे पास यहां से आ जाएगा ये हमारे पास के पी का एक्सप्रेशन है और साथ में हम ऐसा करते हैं चले साथ में हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम क्या करेंगे जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसको भी साथ ही रखेंगे ये हमने यहां पर लिख दिए क्या क्या लिखा है इसमें हमने यहां पर केमिकल रिएक्शन लिखा ठीक है एक जनरल केमिकल रिएक्शन जिसमें हम रख रहे हैं ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी

ठीक है ये कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ जाता है तो हम इसको भी कॉपी करेंगे और हम ऐसे करेंगे इसको प्रूव करेंगे ठीक है हमारा मकसद क्या है कि हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि के पी किस तरह से ये एक्सप्रेशन देता है के एक्स और के पी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे अच्छा यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम स्टार्ट जो लेंगे वो हम के पी के इस एक्सप्रेशन से लेंगे ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि के पी के इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है ना ये हमने कुछ इस तरह से लिख लिया उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ये यह जो मौजूद है ये स्मॉल पी है ठीक है ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है स्मॉल पी है तो स्मॉल पी जो होता है इसको अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल होता है यहाँ पर हम ये यह लिखेंगे यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ स्मॉल पी जो है अगर किसी का भी होगा ठीक है चले मैं आई डाल देती हूँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का होगा ठीक है आई मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ठीक है हम उसको जनरली आई ले रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट आई ठीक है ये जो आई जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इसका मोल फ्रैक्शन और इन टू हम क्या करेंगे हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर ठीक है क्योंकि ये स्मॉल पी जो है पार्शियल प्रेशर था पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हम देखते हैं एक एक कॉन्स्टिचुएंट का लेते हैं ठीक है और पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कॉन्स्टिटुएंट यानी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए हम आई सपोज कर लेते हैं तो हमने वो देखते हैं कि वो इक्वल होता है किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिचुएंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम ठीक है ऐसे आ जाता है अब देखिए अगर यही चीज मैं किसके लिए लिखना चाहूं यही चीज मैं लिखना चाहूंगी जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर है ए के लिए ठीक है यहां से मैं लिख देती हूं अगर पार्शियल प्रेशर ए के लिए लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा चले हम यहां से फिलहाल इसका एक्सपोनेंट हटा देते हैं ठीक है सॉरी इसकी पार हटा देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा देखिए x लिखा ठीक है अब i की जगह हम कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है वो कौन से हैं ये देखिए ये हमारे पास a मौजूद है कैपिटल a तो उसका हम लिख रहे हैं फिर हम इसके नीचे भी लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल a इंटू टोटल प्रेशर ठीक है इस तरह से आ गया और इसी तरह हम किसका लिखेंगे बी का भी सी का भी डी का भी ये हमने यहाँ पर लिख दिए ए के लिए बी के लिए सी के लिए डी के लिए ठीक है इनके पार्शल प्रेशर हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि टोटल प्रेशर के साथ आ रहा है और हम देख रहे हैं कि साथ इनमें मोल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसे हमने लिख दिया अब यहाँ पर ये यह देखिए कि टोटल प्रेशर सबका एक ही होगा क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स एक ही सिस्टम के अंदर आ रहे हैं और उसी सिस्टम का हमने यहाँ टोटल प्रेशर लिखा है और जो हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया इसके अलावा हम यहां देख रहे हैं एक चीज जो हम यहाँ पे अब नोट करेंगे और यहाँ पर हम मैंशन करेंगे वो ये कि देखिए जो स्मॉल प्रेशर्स हैं जो कि एक्सप्रेशन में आ रहे हैं ना केपी के, के एक्सप्रेशन में आ रहे हैं इसमें देखिए है कि इनके इनके सब सबके जो है वो हमारे पास पार्स आ रही है ठीक है तो एक ऊपर अगर हम इसकी पार लिख दें तो हम देख रहे हैं कि सबके साथ ये पार जो है इसके पूरे एक्सप्रेशन में ये पार आ जाएगी ठीक है यानी कि एक्स के ऊपर भी ये पार आ जाएगी और पी के ऊपर भी ये पार आ जाएगी इस तरह से ठीक है फिर बी के ऊपर स्मॉल बी इसकी पार है तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं यहां पे स्मॉल बी लिखा यहां पे स्मॉल बी लिखा यहां पे स्मॉल बी लिखा सी के साथ भी ऐसे ही करेंगे ठीक है यहां पर हम क्या करते हैं सी के साथ हम लिखेंगे स्मॉल सी स्मॉल सी ठीक है और स्मॉल सी ठीक है डी के लिए भी यही करेंगे डी के लिए हम क्या यहां uh, sorry, small d लिखेंगे यहाँ पे सॉरी स्मॉल डी लिखेंगे स्मॉल डी स्मॉल डी और यहाँ पे स्मॉल डी ठीक है इनकी पार्स आ गई अब देखें ये वाले जो सारे टर्म्स हैं इनकी अलग से हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर वैल्यूज आ गई ठीक है ये एक्सप्रेशन आ गए इनके लिए फर्दर एक्सप्रेशन आ गए चलें आई वाला हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ठीक है इसकी हमें जरूरत नहीं है हमने अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गए अब ऐसा करते हैं के पी वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम क्या करते हैं इनको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? इनको प्लेस करेंगे किस तरह से कि देखें जहां पे अब देखें मैं एक चीज यहाँ पर लिख दू के, के पी ऐसे के ऐसा लिख दिया अंदर में पी सी की जो है वो वैल्यू डालूंगी ठीक है यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है ये मेरे पास इसकी वैल्यू है यहां से उठा के मैं इसको यहां पर लिख दिया ठीक है उसके बाद इसके साथ क्या मौजूद है पी डी मौजूद है तो इसकी भी वैल्यू यहां से उठा के मैं यहां पर लिख देती हूँ ठीक है ये इसकी भी वैल्यू आ गई इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे ठीक है क्योंकि नीचे आ रहे हैं बाकी हमारे पास जो टर्म्स हैं जिस पी ए के लिए है पी ए के लिए हमारे पास क्या मौजूद है जो फर्दर एक्सप्रेशन आया है यहां से हम इसको लिख देंगे ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बी के पी भी मौजूद है स्मॉल पी और बी के लिए ठीक है तो यानी कि पार्शियल प्रेशर फॉर बी तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया इस तरह से ठीक है अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज यानी कि वो ज, एक चीज कैपिटल पी वो जो है वो क्या है कॉमन है ठीक है और हम देख रहे हैं कि क्या है किस तरह से कॉमन है कि समय कैपिटल है लेकिन इनकी जो हैं वो अलग अलग हैं तो हम पार्ट को जो है वो कॉमन आउट कर लेंगे और किस तरह से कॉमन आउट करते हैं हम इसको देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे के पी वापिस लिखते हैं ये हमने लिखा के पी इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास मौजूद है यहां से हम क्या करते हैं एक्ससी जो है इसको लिखेंगे ठीक है ये हमारे पास आ गया Then हम यहां से XD जो है, इसको लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया ठीक है इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे ठीक है और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे एक्स ए है हम एक्स ए लिखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे आ गया इस तरह से और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स बी जो है ये भी हमारे पास मौजूद है इसको भी हम यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से लिख देंगे ठीक है और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा डॉट्स आ रहे हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ठीक है थीके? इस तरह से हमारे पास कुछ ये बन गया अब ये देखिए ये वाला पार्ट और ये ऊपर जो पार्ट लिख है ये तो एग्जेक्टली exactly एक ही है है ना ये तो सेम है ना तो इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं के एक्स लिख सकती हूँ ना मैं तो अगर मैं पूरे इस पार्ट को ये देखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल टैली कर ले एक जैसा है तो अगर ये चीज एक जैसी मतलब है कि Kp, Kx के पी के एक्स के इक्वल हो गया है ना तो यहां पर हम देखते हैं कि इस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे मैं के एक्स ही लिख देती हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया के एक्स लिख दिया लेकिन अभी कुछ चीज यहाँ पे मिसिंग है उसको भी हमने यहाँ पर क्या करना है एडजस्ट करना है और वो क्या चीज है वो हमारे पास प्रेशर है ठीक है तो ये कैपिटल पी है इसको हमने एडजस्ट करना है अब इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे देखिए ऊपर पार्ट जो होती है ना अगर बेस हमारे पास सेम है ये बेस है ठीक है ये सेम है तो हमारे पास जो पार्ट होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पार्स जो है क्या होती है वो एड हो जाती है तो यहाँ सी जो है वो डी के साथ एड हो जाएगी और ए और बी जो है वो नीचे एड हो जाएंगी ठीक है इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये क्या हो रही है ए प्लस बी नीचे एड हो जाएंगी यही ए बी जो है वो क्या हो रही है ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी के से डिवाइड हो रहा है लेकिन बेस जो है वो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ ही क्या आ जाएगी ए प्लस बी और ये जो नीचे हमने लिखा है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगी ठीक है अब देखिए ये जो हमारे पास सी प्लस डी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं ठीक है सॉरी प्रोडक्ट्स हैं ठीक है थीके? तो हम यहाँ पर एन पी लिख सकते हैं और माइनस क्या हो रहा है एन आर ए प्लस बी जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है ठीक है ऐसे में हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है ये हमारे पास मोल्स का डिफरेंस बन जाता है डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? ये चीज हमारे पास आ गई तो देखिये मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख सकती हूँ ये मेरे पास यहाँ से इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डेल्टा एन ठीक है इस तरह से लिख दूंगी और नीचे से हम ये देख लेते हैं कि इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ठीक है तो ये हमने क्या देखा कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा इसको हम यहाँ से हाईलाइट भी कर देते हैं ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसको हम फॉरन से टेली कर लेंगे जो एक्सप्रेशन हमने पहले लिखा था देखिए के पी इक्वल के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन ठीक है अब यहां पर देखिए के पी इक्वल के एक्स इन टू पी टू डेल्टा एन तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ गया तो हमने ये देख लिया कि रिलेशन क्या होता है रिलेशनशिप क्या आ जाता है बिटवीन के पी दैट इज इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड के एक्स दैट इज इक्वेलेब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन